हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग राधे राधे, जय माता दी। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 9, मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस, आज है मकर संक्रांति, आप सबको पता ही होगा, और जिसको खिचड़ी भी बोलते हैं, और यूपी बिहार में खिचड़ी भी बोलते हैं। तो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी आप सभी को, खिचड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हैप्पी लोहड़ी। तो मैंने कल बोला था, आज भी बोल लेती हूँ। और गए, मैं ना नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और हम लोग मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं बताने वाली हूँ। हम लोग गंगा जल डाल के नहा लिए, मतलब बाल्टी में, जैसे गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो गंगा जल डाल के नहा लेते हैं, तो मैंने कर लिया है। बाल वाल शैम्पू कर लेते हैं, पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करते हैं, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने देखे चेंज कर दिया था। और यहाँ पे बाबू मेरा नहा के आ चुका है, ये भी हेलो, हैप्पी मकर संक्रांति भी बोलना है, हैप्पी मकर संक्रांति, सामने देख के बोलो, अच्छे से सामने आज देख के बोलना है, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, तो गाइस बाबू मेरा नहा धो के आ चुका है, और ये अभी देखे हीटर के बाल सुखा रहे, हेयर ड्रायर से सुखा लो। तो अभी बाबू मेरा क्या है ना गाइस, ये नहा क्या है, और मैं इसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। एक्चुअली में बात ये है कि आज हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है, जैसे त्यौहार वाले दिन रोटी नहीं बनती है, तो हम लोग क्या करते हैं, नहा के आए हैं। तो अभी यहाँ पे छूने वाला सामान है, दान करने वाला। तो देखिए, दान करने वाला सामान में है चावल, दाल, हल्दी, नमक, जैसे खिचड़ी बनती है, और चूड़ा है, गुड़ है, नमक, हल्दी है। तो जो चीज़ हम खाते हैं ना, वही चीज़ दान भी करते हैं। तो हम खिचड़ी खाते हैं और दही चूड़ा खाते हैं, स्पेशली खिचड़ी के दिन। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए खिचड़ी बनाई है गाइस, और ये भगवान जी के भोग के लिए निकाली है मैंने, दही चूड़ा, और ये लड्डू है, ये लाई के लड्डू है, तो ये भोग लगता है। तो अभी मैं नहा के मंदिर में जा रही हूँ, भोग लगाऊंगी। और गाइस, हमारे यहाँ क्या पकौड़ी बनती है, पकौड़े, खिचड़ी, मिक्स वाली खिचड़ी बनती है, वेज वाली। और मेरा बाबू विष्णु 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 विष्णु। तो गाइस, बाबू ने छू लिया, इसके बाद अब मैं छूँगी, मतलब दान वाली चीज़ें छूते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हमारे गांव में। तो ऐसे दान वाली चीज़ें छूएंगे या दान करेंगे। अब बाबू मेरी वीडियो बनाएगा, बाबू मेरी वीडियो बना दो। आज ऐसा हुआ ना कि जैसे मैंने दान वाली चीज़ें छूने स्टार्ट की, वो जो आंटी है ना दान करने वाली, वो आ गई है। तो अब हम दे देंगे उनको, तो बहुत अच्छे टाइम पे मैं, तो यहाँ पे दान लेने वाली आंटी आ गई थी, तो उन्हें मैंने दान दे दिया। और इसके बाद मैं आ गई पूजा घर में। और तो गाइस, पूजा तो हम डेली करते हैं, तो पूजा उसी तरह किया। इसके बाद स्पेशली कान्हा जी को ना आज दही और चूड़ा और गुड़ का भोग लगाते हैं, तो मैंने भगवान को भोग रख दिया था, और आरती पूजा हो गई थी। और मैंने जो भोग लगाया था दही चूड़ा का, तो ये हम सबसे पहले खाएंगे। तो मैं भी दही चूड़ा खाने की इतनी वो नहीं हूँ, जैसे खाली पेट मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी खाएंगे। तो ये खाते हैं, खिचड़ी के लिए ये करते हैं। हेलो गाइस, देखिए हम लोग आज क्या खा रहे हैं, दही चूड़ा फिर खा रहे हैं, और हमारी भाभी भी आई हैं। और गाइस, हमारे यहाँ तो आज हो रहा है ना मकर संक्रांति, और रेखा भाभी के यहाँ कल होगा। तो मैं बोली कि चली भाभी आज हमारे यहाँ हो जाए, और कल भाभी के यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाभी, इनको तो अच्छा लग नहीं रहा दही चूड़ा, अच्छा लग रहा है, कब से मतलब मसाला लेके बैठी है, भूख है तभी भी आपने मैं खाई कहाँ खाई, वैसे ही तो रखा है, एक छिपा था तो सारा खा गई, इतना ही बचा है, थोड़ा सा बस, कोई बात नहीं, जितना मन कर। आइए आप लोग भी खा लीजिए चूड़ा दही दाई। अरे वाह सबको। तो गाइस, मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, तो शाम को तैयारी करने लगते हैं, मिक्स खिचड़ी बनाते हैं, सारी सब्जियां डाल के चटनी और पकोड़े बनाते हैं। तो ये हमारे यूपी में इसी तरह होता है, और आलू गोभी मटर दाल और चावल मिला के खिचड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दाल उबाल रही थी, और सारी सब्जियाँ फ्राई करके खिचड़ी बनाऊँगी, और इसके बाद मैंने चटनी पीस लिया है, और पकौड़े बनाऊंगी आलू और गोभी की, और ये धनिया टमाटर की चटनी है। तो गाइस, हमारे यहाँ तो ऐसे बनती है मकर संक्रांति, और दिन सुबह में खाते हैं दही और चूड़ा। तो गाइस, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हमारी खिचड़ी कैसी लगी, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।